गया था प्रीवियस वाला एक तो लगा दो। ठीक है देखिए, चलिए ये देखिए, ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा फंडामेंटल बोलते हैं जो बच्चे प्रेजेंट थे। बच्चों ऐसा है, अगर ये लॉग ये तुम्हारा बेस अगर ये ऐसा रहता है, अभी जो क्वेश्चन है 0.4 है, ओके समझ दिए, एक्स है ग्रेटर देन लॉग 0.4 वाई। अगर तुम्हारा बात है कि अगर तुम्हारा ए का वैल्यू ये ए है, ए का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में रहता है, अगर इसमें लॉगरिथम रिमूव करते हैं, नहीं तो लॉगरिथम उधर जाके एंटी लॉग होता है, जब लॉगरिथम दोनों तरफ रिमूव करते हैं, नहीं तो लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट में करता है, लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट में जब करता है ये साइन बच्चों चेंज होता है, जब लॉग का बेस का वैल्यू 0 से 1 से रहता है बच्चों। ओके ये लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, लास्ट वीडियो देख लीजिए शेयर क्या हो। ओके तो बेस जब इसके बीच में रहता है बच्चों, ये अगर तुम्हारा दोनों तरफ लॉगरिथम हटाते हो, ये दोनों तरफ से लॉगरिथम हटाते हैं बच्चों, ये साइन ऑफ द लॉगरिथम चेंज हो जाता है। सो बस ऐसा भी क्वेश्चन है, सपोज ये लॉग ये टैन ये सपोज देता है साइन 5/6 यहाँ पर एक्स ओके, और ये द्वारा ऐसा देता है कि सपोज ये 4 ऐसा कुछ देता है, और यहाँ पर सपोज ये लेस देन ऐसा दिया है, लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ दिया है। ठीक है तो बच्चों लॉग साइन 30 बोलिए, साइन 30 कितना बोलिए बच्चों, साइन 30 बोलिए 1/2। जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े पाई रेडियन 180 होता है, जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े पाई रेडियन पाई बाय 6 180 बाय 6 30 आता है, साइन 30 1/2। ओके तो जब भी बच्चे बेस द्वारा जब भी इसके बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में जब रहता है, सपोज तुम इसका ये एक्सपोनेंट करना चाहते हो, ये 4 है, ये लास्ट क्लास पढ़ाए थे, फिर से थोड़ा बहुत बच्चे को जो एब्सेंट इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब ऐसा 0 और 1 के बीच में जब रहता है, ओके ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच रहता है, ये जब ऐसे एक्सपोनेंट करते हो आपका पावर 4, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ओके लास्ट वीडियो फिर से मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिए, ओके इनइक्वालिटी का था। तो बात है जब बच्चों द्वारा ऐसा ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रख देता है, लास्ट का डायग्राम करके समझाया था। ओके तो इसके बीच में जब रहता है, दोनों तरफ लॉग हटाते हो, नहीं तो दोनों तरफ लॉग जोड़ते हो, नहीं तो लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट करता है, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। नेक्स्ट बात है, और एक तो बोला गया था कि अगर एक्स ग्रेटर देन सब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ए 1 नहीं होता है लेकिन ग्रेटर देन 1 होता है सपोज। ओके कि ये लॉग ऐसा होता है कि टैन 60 ओके ऐसा भी देता है कभी कभी, टैन 5/3 देता है, और ये द्वारा टैन 60 देता है, और ये द्वारा ऐसा कुछ देता है कि सपोज ये ग्रेटर देन 4 ऐसा कुछ है। टैन 60 कितना बच्चों बोलिए, टैन 60 √3 ओके। अच्छा जब अगर बेस जब अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन अगर जब ये जगह एक्सपोनेंट जब होता है, तो ये साइन एक्सपोनेंट जब होता है इसमें चेंज नहीं होता है। ओके अगर ग्रेटर देन ए में लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, इसका समझाया गया था, जस्टिफाई भी किया गया था। ओके जब तुम्हारा ग्रेटर देन ए बेस जब अगर ग्रेटर देन 1 है, जब वो जाके उस तरफ जाता है, नहीं तो दोनों तरफ लॉग हट जाता है, नहीं तो ये लॉग जाके वहाँ पर एक्सपोनेंट होता है, तो ग्रेटर देन 1 में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर रहता है ये साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके तो बच्चों चलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझे, ग्रेटर देन 1 में चेंज नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में अगर ये रहता है तो चेंज होता है, और भी कल भी क्लास लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया था तुम्हें अभी। तो बच्चे ये देखिए, ये सब जब क्वेश्चन है, पहला बात है यहाँ पर जो है हमारा लॉग जब भी कोई ऐसा रहता है, लॉग ए एक्स जब भी ऐसा कोई रहता है, हम लोग का कुछ कंडीशन लगता है, क्या क्या कंडीशन लगता है, पहला बात है तुम्हारा कि ए नॉट इक्वल 1 होता है, ओके देन ए का वैल्यू, ओके ए का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है, ओके और ए का वैल्यू 2 पार्ट होता है, एक को 0 से कभी कभी दे देता है, ओके ए ग्रेटर देन 0 होता है, देन तुम्हारा ए नॉट इक्वल 1 होता है, और एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, जब भी कोई लॉग का ऐसा देता है ये सभी कंडीशन डोमेन के लिए कंडीशन रहता है। तो जब भी यहाँ पर है, पहला बात है यहाँ पर दो चीज होगा, एक है तुम्हारा एक्स माइनस 1, ये पार्ट ग्रेटर देन क्या होना है,
ए पॉइंट ग्रेटर देन क्या होना है, ए पॉइंट ग्रेटर देन जीरो होना है। ये लॉग का जो है ना, ए एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, या दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है तो ये तुम्हारा लॉग एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना है। ओके, नहीं तो वो लॉगरिथमिक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना है, एंड वन इज नाउ, और इनका सोल्यूशन एक आएगा, एंड वन इंटरसेक्शन लेना है, ये भी होना है एंड इनका सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन मीन्स को जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है x माइनस वन दोनों तरफ है, ये तो x माइनस वन ग्रेटर देन क्या होना है, जीरो होना है, मीन्स x ग्रेटर देन तुम्हारा वन होना है, ये पड़ेगा कंडीशन। ओके, पहला कंडीशन। नेक्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड बात है तुम्हारा ये बच्चे, पहला बात है बेस सेम करेंगे बच्चों। ओके, बेस सेम करेंगे, देखिए बेस कैसे सेम करते हैं, ये लॉग तुम्हारा कितना, कितना लॉग जीरो पॉइंट, कितना ये लॉग जीरो पॉइंट फोर, तो मैं जीरो पॉइंट टू का होल स्क्वायर करूंगा, एनी प्रॉब्लम, जीरो पॉइंट टू का दो बार इंटू करने से जीरो पॉइंट जीरो फोर आएगा कि नहीं, ये जीरो पॉइंट जीरो फोर है, जीरो पॉइंट टू का दो बार इंटू करने से जीरो पॉइंट जीरो फोर आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट बच्चों, ये हमारा बेस सेम करना है बच्चों, ये तुम्हारा लॉग, ये तुम्हारा क्या 0.2 और ये x माइनस वन। ठीक है, अच्छा सेकंड बात बच्चों, में बोला था एक प्रॉपर्टी में बोला गया था, ये लॉग अगर a का पावर b है और इसका पावर m है, इस प्रॉपर्टी बोलिए थोड़ा, ये प्रॉपर्टी बोलिए, ये प्रॉपर्टी था बच्चों, इसका प्रॉपर्टी पढ़ा गया था, थोड़ा अगर कोई अगर उसको बारे में जानना चाहते हो, ये प्रॉपर्टी पढ़ा गया था, तुम्हारा लॉगरिथम का पिछले वीडियो सब देख लीजिए, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं लास्ट मिनट वीडियो लॉगरिथम मार दीजिए, आ जाएगा सब वीडियो, आ जाएगा यूट्यूब पे मार दीजिए, ये बाहर आ जाएगा, तो वन बाई बी और क्या लॉग ए। अच्छा और एक बात है, कल से तुम लोग का क्या स्कूल शुरू हो रहा है, इसीलिए कल से जिसको सेट पढ़ना है सुबह 6 बजे क्लास होगा, 6 से 7। ओके, और पूरा शाम को ये टाइम रहेगा, एवरीडे मेरा 6:30 रहेगा ये टाइम तुम लोग का, मैं और लॉगरिथम का दो क्लास लूंगा, एक तो लॉगरिथम इक्वेशन और एक तो कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लिकेशन, ये होने के बाद फिर से शुरू कर लेंगे हम लोग का, चलेंगे एपी जीपी फिर एचपी थोड़ा फिर चलेंगे, और दूसरा बैच एक है उनका भी उसके लिए बोलेंगे कब से कौन सा टाइम बोलेंगे। ओके, तो बच्चे ये फॉर्मूला समझे, ये क्या होगा, बी बाहर आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला बोला गया है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये टू बाहर आ जाएगा, पहला बात ये कंडीशन दे दी एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होना है, सेकेंड बात ये देखिए, ओके ये तुम्हारा टू बाहर ले लीजिए, ये वन बाई टू आ जाएगा, लॉग जीरो पॉइंट टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन लॉग जीरो पॉइंट टू एक्स माइनस वन। अच्छा सेकेंड बात देखिए, अभी हाफ उधर जाके चला जाएगा, एक फॉर्मूला था लॉग एम टू दर एन, लॉग एम टू दर एन क्या फॉर्मूला है, लॉग एम टू दर एन का फॉर्मूला बोलिए सर, एन लॉग एन लॉग एम। ओके, अब बच्चों उल्टा करेंगे, ऐसा दिया है हम ऐसा बनाएंगे, एन को ऊपर ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हाफ को ऊपर ले लेंगे बच्चों, हाफ को ऊपर ले लेंगे, ये लॉग कितना 0.2 एक्स माइनस वन। ओके, इसका पावर ऊपर चला जाएगा, ये घटा दर लॉग 0.2 एक्स माइनस वन। ओके ठीक है, अच्छा अच्छा ये पर x माइनस वन 0.2। अच्छा क्या आएगा 0.2 ये x माइनस वन। ओके, आप बच्चों पावर चला गया ऊपर। ओके, अच्छा बच्चों मैं दोनों तरफ एंटी लॉक कर लेता हूँ। ओके, दोनों तरफ लॉक रिमूव कर लेता हूँ। ओके, अच्छा और एक बात थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ तुमसे, थोड़ा रुके। अच्छा देखिए ये तुम्हारा, हाँ क्या कुछ बोल रहे थे बच्चों, अच्छा बच्चों सुनिए, यहाँ पर ये लॉग हटाएंगे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, लॉग हटाएंगे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये इसका 0.2 किसके बीच में रहता है, तुम्हारा 0 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये साइन चेंज होगा कि नहीं होगा बोलिए,
फोगस और इसका साइन चेंज होगा। ओके जब जीरो से ये ग्रेटर देन वन में साइन नहीं होता है, ओके ग्रेटर देन ए का बिना ग्रेटर देन वन में साइन चेंज नहीं होता है, इसमें तो दोनों तरफ लॉग हटाएंगे बच्चों, नहीं तो ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट होकर हट जाएगा सब, ओके नहीं दोनों तरफ एंटी लॉग कर देंगे दोनों, हो गए हटा दीजिए तो ये पर एक्स माइनस वन का पर हाफ ये साइन बच्चों चेंज हो जाएगा। ओके तो ये थोड़ा आ गया ठीक है। आप देखिए कैसे हम लोग का फिर ये अलजेब्रा फॉर्म है, अलजेब्रा फॉर्म के बारे में लास्ट क्लास बोल रहा था कि अगर ऐसा कुछ अलजेब्रा है माइनस टू एक्स ग्रेटर देन थ्री देन एक्स, अगर ये थ्री बाय माइनस टू करते हैं माइनस का हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का उधर लो माइनस का उधर लो प्लस का लो, अगर प्लस का डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का अगर डिवाइड करते हो साइन चेंज होता है। ये एक बात याद रखना, अलजेब्रा में तो कुछ बच्चों को पढ़ाने गया है प्लस का डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर माइनस का अगर डिवाइड करते हैं थ्री माइनस टू डिवाइड करते हो साइन चेंज होता है। ओनली एक ही केस में अलजेब्रा केस में जब माइनस का डिवाइड करते हो या माइनस मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ वो साइन चेंज होता है, और कहीं पर साइन चेंज नहीं होता। पॉजिटिव डिवाइड करो साइन चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो साइन चेंज नहीं होता है। इसके बाद ये अलजेब्रा फॉर्म में आ गया बच्चों के। अच्छा रूट को उस तरफ ले लो स्क्वायर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके रूट को उस तरफ लेकर स्क्वायर कर दो बच्चों। देखिए ये तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा ये एक्स माइनस वन है और ये तुम्हारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो रूट उधर जाकर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके ये एक्स माइनस वन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है। अब सब बच्चे इस तरफ ले आओ सभी, एक्स माइनस वन है माइनस एक्स स्क्वायर लॉ ये माइनस वन लॉ प्लस टू एक्स लेस देन जीरो ठीक है। बच्चों कितना आ रहा देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू लेस देन जीरो ठीक है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। बच्चों थोड़ा माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन जीरो माइनस कॉमन ले लो बच्चों, ये माइनस कॉमन लेंगे ओके ये प्लस टू लेस देन जीरो ठीक है। जब तुम्हारा माइनस जब डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस जब डिवाइड करोगे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ओके साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा ठीक है। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो क्या आता है बच्चे, देखिए ये माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स जाने से एक्स माइनस टू माइनस वन जाने से एक्स माइनस टू ठीक है, देन एक बार एक्स माइनस टू और ये क्या एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। बच्चे यहाँ पर तुम्हारा ये करना है नंबर लाइन से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बोलो आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो करो एक्स इक्वल टू टू आएगा एक्स इक्वल टू वन आएगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ हमेशा भी। अच्छा एक्चुअली ये पर x का प्लस है मीन्स ये प्लस माइनस प्लस आएगा, फिर भी चेक कर लो थ्री लेके देखो प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, थ्री लिखो थ्री माइनस प्लस आ रहा है थ्री माइनस और प्लस आ रहा है, इस पर एक पॉइंट लिखो वन हाफ ले लो थ्री बाई टू वन हाफ ले लो, ये नेगेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर एक जीरो लेके देख लो इधर एक पॉइंट जीरो लेके देख लो नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव आ रहा है ओके। और एक बात है ग्रेटर देन है तो प्लस पार्ट लेंगे लेदर तो नेगेटिव पार्ट लेंगे ओके। लास्ट डेट अच्छा हो अच्छा ठीक है देखते हो बात को देखते हैं ये तुम्हारा ठीक है बच्चों। तो बच्चे ये ग्रेटर देन है तो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट लेंगे ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ ये ग्रेटर देन तो पॉजिटिव पार्ट पर चलोगे एक्स बिलोंग टू ये तुम्हारा टू से इन्फिनिट होगा यूनियन माइनस इन्फिनिट से वन ये टू से इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से वन ओके पॉजिटिव पार्ट लेंगे बच्चों। ये रहा एंड एंड मैंने इंटरसेक्शन लेना है ये टर्न लेना है दोनों का इंटरसेक्शन ये लेना है एंड ये लेना है और इसका सॉल्यूशन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों के। देखिए क्या आ रहा है देखिए
इंटरसेक्शन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर जो है ये ग्रेटर देन टू था, टू से इनफाइनाइट। ओके अच्छा और क्या था, ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इंटरसेक्शन में चल लेना है। ओके माइनस इन्फिनिटी से मान लेना है, माइनस इन्फिनिटी से मान लेना है, ये इंक्लूड नहीं है बच्चों के। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, हमारा इधर आया क्या एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन। ओके तो बच्चों इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आता है, कॉमन पार्ट। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा आंसर, फाइनल आंसर टू से इनफाइनाइट आएगा, ये फाइनल आंसर है। ओके टू इंक्लूड नहीं है, ओके ये फाइनल आंसर है। तो अब चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या दिया। ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में इक्वल टू था, हम लोग इक्वल टू था, इक्वल टू छोड़ दिए। ओके ये फाइनली कि इसका साइन चेंज होगा, जब द्वारा ये जीरो टू वन है तो इसका साइन चेंज होगा। ओके रूट उधर वन मीटर स्क्वायर हो गया। ओके और ये इक्वल टू था, इक्वल टू, फिर ये माइनस का जब डिवाइड करेंगे साइन ऑफ द इक्वल टू चेंज होगा। अच्छा तो जब इक्वल टू था बच्चों यहाँ पर इंक्लूडिंग से जाएगा, एक इंक्लूडिंग टू से इंफिनिटी जाएगा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टू से इंफिनिटी जाएगा, और एक तो इंक्लूडिंग माइनस इंफिनिटी से बन जाएगा इंक्लूडिंग। जब इंक्लूडिंग होती है क्लोज ब्रैकेट होता है बच्चों, जब इंक्लूडिंग होता है क्लोज ब्रैकेट होता है, इंक्लूडिंग में क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है देन बच्चों ये तुम्हारा यहाँ पर इंक्लूडिंग था, इंक्लूडिंग टू से इंफिनिटी, और ये दोनों में कॉमन क्या आया था, ये इंक्लूडिंग ये कॉमन ही आया, इंक्लूडिंग टू से इंफिनिटी, और इसको लिख सकते एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा किसको कुछ लिखना है, मैं अभी एक ऑप्शनल क्वेश्चन दे रहा हूं, ये किसको लिखना है, अरे किसको लिखना है ये सर, हो गया हो गया। अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन दे। पहला बात है बच्चे यहाँ पर कुछ कंडीशन है, पहला बात क्या क्या कंडीशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो होना है। अच्छा इस लॉग का ये एक्स है बच्चों, इस लॉग का ये एक्स है कि नहीं, इस लॉग का ये एक्स है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना है बच्चों, समझे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो होना है, इस लॉग का ये भी एक्स है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना है, एंड ये भी निकालना है, एंड ये भी निकालना है, एंड ये सॉल्यूशन को देखो, ये चेक करना है, ये भी चेक करना है, एंड सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है वो भी चेक करना है, एंड फॉर इंटरसेक्शन कॉमन पढ़ा जाएगा, कल पढ़ा जाएगा इंटरसेक्शन पढ़ा जाएगा सेट थ्योरी में। ओके तो यहाँ पर एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, और का मीनिंग होता है यूनियन। ओके तो देखिए एंड मीन्स कॉमन। ओके तो तुम्हारा ये सब कंडीशन बच जाता है। ओके और जब ये जब जाएगा ना हाफ, ये साइन चेंज होगा, फाइव का साइन चेंज नहीं होगा लेकिन हाफ का जब ये होगा ना साइन चेंज होगा। ओके तो चलिए सब कंडीशन रहता है करते हैं, कंडीशन पहला बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो इक्वल, हाँ ये ग्रेटर देन, ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है तो बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर इसको प्राइम फैक्टर से हमेशा लिनियर में कन्वर्ट कीजिए, एक वेबिकोर मेथड है पढ़ा जाएगा फंक्शन में, तुम लोग का भी पढ़ाया गया था उसको, पहला है तुम लोग को पढ़ाया नहीं वेबिकोर मेथड, उसका पहला बात है कि उसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। ओके क्वांटिटी के तो लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, ये एक्स प्लस टू और क्या
एक्स माइनस टू एवरी कॉर मेथड। अच्छा उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसे इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसे इक्वल टू जीरो करने से माइनस टू और टू आएगा। ओके उसको इसको नंबर लाइन में इसको सजाना है। ओके वो भी असेंडिंग ऑर्डर से माइनस टू से प्लस टू। ठीक है ठीक है, देखते हैं क्लास फंक्शन उन लोग का बच्चों का जब पढ़ा जाएगा वे भी कॉर मेथड उस टाइम में फिर से बोल देंगे थोड़ा। ओके ये तुम्हारा ये इक्वल टू जीरो करोगे तो प्लस टू आएगा और एक तो माइनस टू आएगा। ठीक है नेक्स्ट बात देखिए कि यहाँ पर एक्चुअली अगर ये x प्लस है तो ये एक्चुअली प्लस माइनस से आता है, x अगर प्लस है तो ये प्लस माइनस आता है, फिर भी चेक कर लीजिए। यहाँ थ्री लेके देखिए ये पॉजिटिव आता है, थ्री माइनस ये भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। यहाँ पर इनके बीच एक नंबर लीजिए वन लीजिए नहीं तो जीरो लीजिए, जीरो जल्दी होगा तो इनके बीच में जीरो आता है, जीरो प्लस पॉजिटिव आता है, जीरो माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आता है। ओके और माइनस इनफिनिट से माइनस टू लीजिए, माइनस इनफिनिट से माइनस टू लीजिए। ओके तो इनके बीच में एक नंबर कोई लीजिए माइनस थ्री लीजिए, ये नेगेटिव आता है ये भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके अच्छा ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे, ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे। अगर ये तुम्हारा इक्वल होता है तो क्लोज ब्रैकेट लेंगे, इक्वल नहीं होता तो अपर ब्रैकेट लिया जाएगा। आज पढ़ा गया था सेट थ्योरी में, अगर ये तुम्हारा इक्वल होता है क्लोज ब्रैकेट होता है, सेट थ्योरी में आज पढ़ा गया, इंटरवल पढ़ा गया आज का क्लास में। ओके तो ये देखिए तुम्हारा तो ये देखिए तुम्हारा क्या होगा, तो ग्रेटर देन पॉजिटिव पार्ट लेंगे और ओपन ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ओके ये एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ये टू से कितना इनफाइनाइट पॉजिटिव पार्ट लिया था क्योंकि ग्रेटर देन है, और ये माइनस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी से माइनस टू। ओके ये यूनियन ओके तो एक्स का यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, एक्स का वैल्यू ये लोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पार्ट और ये पार्ट का कोई भी वैल्यू लोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है तो ये बात है, ये एक्स बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। ठीक है बच्चों ये एक हो गया, नेक्स्ट पीछे चलते हैं और एक कंडीशन, क्या कंडीशन है, पहला ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, इस लॉग का ये एक्स है, इस लॉग का ये पूरा पार्ट एक्स है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना है, ये log 5 x का माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0 होना है। ओके तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, और एक कंडीशन क्या, log 5 x का माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है तो ठीक है ये पार्ट ठीक है, तो बच्चों तुम्हारा x का माइनस 4 ये ग्रेटर देन 5 टू दर कितना 0। ओके ठीक है x का माइनस 1 5 टू दर 0 हो जाएगा। ओके फाइव टू द जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है ये तुम्हारा चला जाएगा फाइव टू द जीरो वन होता है। देन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चे ये फाइव टू द जीरो वन होता है, ऐसे चला जाए भाई बच्चे ये फाइव उधर जाएगा फाइव टू द जीरो। अच्छा यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों साइन चेंज नहीं हुआ बच्चों, यहाँ साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, बेस वन से बड़ा है। हाँ जो बेस जो है वन से बड़ा है, बेस अगर जीरो से वन के बीच में रहेगा तो वो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है तो ये पर बेस जो है वन से बड़ा तो साइन चेंज नहीं हुआ। ओके ये फाइव का पर जीरो हो गया। ओके फाइव का जीरो प्लस वन इधर लाया माइनस वन, फिर इसको बच्चों की वही करेंगे दो ये दो पार्ट आएगा लिनियर में करेंगे एक्स प्लस रूट फाइव, एक्चुअली इसको रूट फाइव को होल स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस बी। ठीक है ये ग्रेटर देन जीरो, ओके इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो बच्चे क्रिटिकल पॉइंट आएगा रूट फाइव आएगा माइनस रूट फाइव आएगा, इसको नंबर लाइन में लीजिए। ओके इसको नंबर लाइन में लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लीजिए। ओके माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव लीजिए। ठीक है ये इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट बच्चों। ठीक है तो बच्चों देखिए ये एक्चुअली x का प्लस है तो हमेशा प्लस माइनस आएगा, अगर x का प्लस है तो हमेशा प्लस माइनस आएगा, तुम देख भी सकते हो रूट फाइव मीन्स टू पॉइंट समथिंग होता है। ओके रूट फाइव का वैल्यू टू पॉइंट समथिंग आएगा तो अगर फोर लेके देखिए पॉजिटिव आएगा और इनके बीच में जीरो लेके देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा।
और इधर एक तो लेके देखिए माइनस रूट फाइव मीन्स माइनस फोर लेके देखिए। हाँ जी बोलिए। थोड़ा अच्छा थोड़ा वो थोड़ा म्यूट कर लीजिए बच्चे लोग, मैं म्यूट कर लेता हूँ। अब अभी बोलो कौन संपूर्ण क्या बोल रहे थे बोलो। सर वो रूट फाइव क्यों नहीं है ना? ये देखो तो ये तो आया ना, ये फाइव का जीरो वन आया, लॉस्ट वन इधर से क्या होता है माइनस वन होता है, फिर इसको फिर हम लीनियर में कन्वर्ट किए। हमारे कंडीशन पहला कंडीशन है ये, पहला कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, जो कि हम इधर कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन है, और थोड़ा म्यूट करो तो आवाज आ रहा है। सेकंड अच्छा पहला कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि इस लॉग का ये एक्स है, इस लॉग का एक्स है तो ये एक्स ग्रेटर देन जीरो होना है, तो सेकंड कंडीशन हम कर रहे हैं इस लॉग का ये एक्स है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये फाइव का पर उधर जाएगा, फाइव का जीरो। यहाँ एक्चुअल अगर यहाँ पर जीरो और वन के बीच में बेस होता है साइन चेंज होता है, लेकिन ये ग्रेटर देन वन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके ये फाइव का जीरो होता है, फाइव का जीरो वन होता है, प्लस वन होता है, माइनस वन होता है, माइनस फाइव होता है, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके फाइव को मैं रूट फाइव का स्क्वायर कर दिया, प्लस फाइव प्लस वन इधर लिया, ये माइनस मान होगा माइनस फाइव होगा। ओके रूट फाइव का स्क्वायर वन नहीं लाई थी ना, नहीं ये फाइव का जीरो वन होता है। ओके तो ये प्लस वन माइनस वन होगा तो माइनस फाइव होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एट प्लस इंटू माइनस, ठीक है। अच्छा बस तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम लोग का ग्रेटर देन है तो तुम्हारा क्या होगा पॉजिटिव पार्ट लिया जाएगा, ये भी प्लस माइनस ये होगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। ओके तो चेक करके भी देख सकते हो। ओके तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा एक रूट फाइव से कितना इन्फाइनाइट यूनियन, अगर माइनस इन्फिनिटी से कितना माइनस रूट फाइव, ठीक है। और ये तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू ये आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, अच्छा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर जब ऐसा रहता है, पहला कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो स्क्वायर, ये कंडीशन आया। नेक्स्ट कंडीशन ये तुम्हारा ये लॉग का, इस लॉग का ये एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये एक कंडीशन आया। लास्ट फाइनली सॉल्यूशन करेंगे, ओके फाइनल ये सॉल्यूशन है तुम्हारा ये बच्चे, हाफ दोनों तरफ हाफ उड़ा देंगे फाइनल का ये, उसका सभी का फिर एंड मीन्स इंटरसेक्शन होगा। लॉग तुम्हारा कितना ये फाइनल सॉल्यूशन है, यहाँ पर अगर कुछ रहता है इसका भी कंडीशन लेते, सपोज यहाँ पर कुछ एक्स माइनस टू रहता ना उसका भी कंडीशन लेते, यहाँ पर अगर एक्स माइनस टू रहता है एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो उसका भी कंडीशन लेते, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्चुअली जीरो होता है, फिर भी ये तो देखिए लॉग हाफ ये वन ये जीरो होता है, नहीं तो ऐसे हाफ आप उड़ा दे सकते हो। ओके फाइनल इसका सॉल्यूशन कर रहे सॉल्व कर रहे हैं। ओके लॉग हाफ ये लॉग कितना फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन कितना लॉग हाफ मान लो। कोई बच्चा आंसर कर चुका है, देखिए किसका आंसर हो चुका है, देखिए एबीसीडी में क्या होगा। अच्छा सुनिए ये लॉग हाफ उड़ा देंगे, उड़ा देंगे तो बच्चों क्या होगा साइन वही रहेगा ना क्या रहेगा, ये लॉग हाफ उड़ा देंगे साइन क्या होगा, देखिए बोलिए साइन क्या होगा, बेस हाफ है, अरे बेस हाफ है साइन क्या होगा बोलिए, ये लॉग हाफ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो से वन के बीच है तो अगर लॉग हटा दे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, इसका बाद जीरो करके भी कर सकते, एक ही आंसर आएगा इसका बाद जीरो लॉग हाफ बेस वन सॉरी वाट एवर में भी तो बेस अगर वन होता है लॉग वन जीरो होता है, मैं वो ना करके दोनों में हाफ हाफ उड़ा दिया। ओके देखिए बच्चों ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये लेस देन ये फाइव का पर वन, इसका चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ क्योंकि ग्रेड बेस जो है ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन में वन होता है चेंज नहीं होता है, लेकिन जीरो टू वन के बीच में लेते हैं तो चेंज होता है बच्चों के। याद पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये माइनस फोर उधर ले लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर लेस देन कितना नाइन, ठीक है। देन बच्चों इसको इस तरफ लाइए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो। ओके अच्छा यहाँ पर इक्वल नहीं तो पिछले क्लास की तरफ नहीं ये ग्रेटर देन, ओके
अच्छा बच्चों ये देखिए, इसको लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, x प्लस थ्री और क्या, हमेशा लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, x माइनस थ्री लेस देन जीरो, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट थ्री आएगा, माइनस थ्री आएगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, ओके। असेंडिंग ऑर्डर माइनस थ्री प्लस थ्री इंफाइनाइट माइनस इंफाइनाइट, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ से हमेशा प्लस माइनस प्लस आएगा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो राइट हैंड से प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता जाएगा, ओके ठीक है बच्चों। वेबिकॉर मेथड पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, देखते हैं इसे बीच में कभी वेबिकॉर मेथड पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कि प्लस माइनस प्लस में बच्चों अगर ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेना बच्चों, लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, अच्छा माइनस थ्री से प्लस थ्री, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, ओके। लेस देन तो नेगेटिव पार्ट लेगा। अब बच्चों ये एंड ये एंड और एक बता एंड ये, इनका टोटल इंटरसेक्शन थोड़ा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। देखिए क्या सॉल्यूशन बनता है, देखिए फाइनल सॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो नीचे रहेगा ना, आपको ध्यान देना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं चेक करना है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक है माइनस थ्री से प्लस थ्री, माइनस थ्री से प्लस थ्री, और ये ओपन ओपन है, ओपन है, ये ओपन है, ये माइनस थ्री से प्लस थ्री, जो फाइनल सोल्यूशन है। सेकेंड है चला जाएगा, फिर से चला जाएगा, कॉल आ जाता तो चला जाएगा बच्चों। ये माइनस थ्री से प्लस थ्री हुआ, माइनस रूट फाइव से रूट फाइव, रूट फाइव का वैल्यू बोलिए बच्चों, 2.23, ओके वेरी गुड, थैंक यू। ये आप बोल रहे रूट फाइव, माइनस रूट फाइव वही आएगा, वो इधर रहेगा माइनस रूट फाइव, ये थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आया देखिए हमारा, माइनस इंफिनिटी से एक टू से इंफिनिटी, टू से इंफिनिटी, टू इधर आएगा, तो फिर ये टू पॉइंट समथिंग होता है, टू से इंफिनिटी इन नॉट इंक्लूडिंग, ओके टू से इंफिनिटी, ये टू से इंफिनिटी एक तो नॉट इंक्लूडिंग, और एक माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू। बच्चे ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आईआईटी का क्वेश्चन था, ओके माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू कहां पर आएगा देखिए, यहां पर शायद आएगा, देखिए कहां पर आएगा माइनस टू, यहां आएगा माइनस इनफिनिटी, स्कोर सही ठीक रहना है क्वेश्चन में तो आंसर गलत हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है माइनस इनफिनिटी से माइनस टू नॉट इंक्लूडिंग, ओके। अच्छा देखिए कॉमन क्या है, ये माइनस टू यहीं पर तो आएगा, ये माइनस टू पॉइंट समथिंग रहेगा, ये माइनस सही है बच्चों। देखो कॉमन देखिए, अभी दोनों में कॉमन क्या देखिए, ये टू से थ्री तक कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये माइनस टू से कितना, अच्छा और एक काम नहीं लिए रूट फाइव से लिए बच्चों, ये थोड़ा हम लोग का गलती हो गया, ये हम लोग का गलती हो गया पूरा। और एक तो था, और एक तो क्या था बच्चों, बच्चों और एक तो क्या था सर, को बस एक्सटेंड कर दीजिए रूट फाइव, और एक क्या था माइनस माइनस रूट फाइव से कितना इनफाइनाइट, ये तो हमने किए, एक तो टू से इनफाइनाइट किए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू किए, और माइनस थ्री से प्लस थ्री, और एक तो बच गया रूट फाइव से इनफाइनाइट, रूट फाइव से इनफाइनाइट, ओके रूट फाइव इनटू नहीं है। अच्छा नेक्स्ट और क्या है, रूट फाइव से इंफानाइट और माइनस इंफानाइट से माइनस रूट फाइव, माइनस इंफानाइट से सॉरी माइनस इंफानाइट से माइनस रूट फाइव,
अच्छा बच्चों देखिए, आप तीनों का इंटरसेक्शन देखिए, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट हो रहा है? ये वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन इतना। तो बच्चों देखिए आंसर क्या आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन देखे तो बच्चों आया -3 से कितना, -3 रूट नहीं है, -3 से -√5 यूनियन आ गया। तीनों का इंटरसेक्शन √5 से 3 एक्स बिलोंग्स टू ओके, ठीक है बच्चों। -3 से -√5 तीनों का इंटरसेक्शन अगर √5 से 3। ये देखिए कौन सा ऑप्शन, देखिए ये -3 से -√5, √5 से 3, √5 से 3 कौन सा ऑप्शन बच्चे बोलिए, बच्चों कौन सा ऑप्शन, देखिए आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस फुल बच्चों कर रहा है अभी। तो बच्चों हो गया, ये समझ में आया अगे। बच्चों मैं इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें बैठ के करोगे। तो लास्ट कुछ क्वेश्चन करते, लास्ट क्वेश्चन जो कि सभी कुछ रहेगा। एक कंडीशन है या दो कंडीशन आएगा, एक कंडीशन है तुम्हारा ये लॉग का ही एक्स, लॉग का एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। एक कंडीशन आपका एक्स स्क्वायर -3x+2 ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ये साइन 60 कितना बोले, √3/2 जो है हमारा, हम लोग सेट में का ये कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, 0.8 समथिंग आएगा, √3/2 0.8 समथिंग आएगा ओके। तो ये 0.8 मींस किसके बीच में रह रहा है, 0.8 जीरो और वन के बीच में। जब ये तुम्हारा इधर करोगे ना साइन चेंज होगा, जीरो वन के बीच में जब भी तुम्हारा ऐसा एक्सपोनेंट में लगता हो साइन चेंज होगा बच्चों के। तो बनाइए बच्चों, पहला कंडीशन बात है कि तुम्हारा ये ग्रेटर देन लॉग का ये एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है। तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो रहा है बच्चों, ये -2x -x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x-2 आएगा, -1 कॉमन ले लीजिए, x-2 ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। ये पर x-2 और x-1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बच्चे निकालो, x=1 और x=2 ओके। ये 1 और क्या, इन्फाइनाइट, ये -∞, ठीक है। इस इक्वल टू करो 1 आएगा, इस इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है कि 1 = 2, ठीक है। अच्छा आप देखो ये x पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस हमेशा आएगा, प्लस माइनस प्लस, x अगर पॉजिटिव है ओके। तो यहाँ पर देखिए चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेके 3 लेके देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आता है। इनमें से एक पॉइंट लेके देखिए 1/2, 3/2 लेके देखिए 1/2, देखिए नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ 1/2 लीजिए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव द्वारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लेके देखिए 2 -0 लेके देखिए, यहाँ पर एक 0 आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ओके। ये ग्रेटर देन है तो द्वारा कौन सा पार्ट लेंगे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे बच्चे। एक्स बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट यूनियन -∞ से कितना 1। ये बच्चों एक तो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं आया, कुछ रहता तो इधर कंडीशन देते। सेकंड कंडीशन तुम्हारा सॉल्यूशन, इसका है सॉल्यूशन ओके। इसका सॉल्यूशन एक कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना है एंड ये भी सेटिस्फाई होना है, ये भी सेटिस्फाई होना एंड एंड फॉर इंटरसेक्शन कॉमन ओके। तो नेक्स्ट लेना क्या, ये लॉग साइन π/3
log sin pi by 3 x square minus 3x plus 2. ग्रेटर देन क्या है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू शायद है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओके, sin pi by x square minus 3x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अच्छा तुम लोग का आंसर आ गया क्या? किसी का आया क्या? अच्छा बच्चों ये sin 60 देखिए, ये sin 60 root 3 by 2 होता है. sin 60 का जो वैल्यू है root 3 by 2 के, ये तुम्हारा x square माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, sin 60 जो है root 3 by 2 होता है. ठीक है, x square माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, जब तुम्हारा ये बनता है x square माइनस 3x प्लस 2, ये root 3 by 2 उधर चला जाएगा, ये root 3 by 2 का होल स्क्वायर. यहाँ कुछ गलती हम करें, क्या गलती किए बोलिए बच्चे? यहाँ पर हम कुछ गलती किए, क्या गलती किए? साइन चेंज होगा, क्योंकि अगर ये 0 टू 1 root 3 by 2 मींस 0.8 होता है, वो 0 से 1 के बीच में रहता है, और ये साइन चेंज होगा. ठीक है, सर वो root 3 by 2 होगा. और सॉरी सॉरी, थैंक यू. ठीक है बच्चों, हो नेक्स्ट बच्चे देखिए, ये तुम्हारा थोड़ा सॉल्व कीजिए. x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू ये 3 by 4. ठीक है बच्चे, ये इंटू कीजिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 3. ये 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 3. 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 3. ये द्वारा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 प्लस 3 इधर ले ये माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. ये 4x स्क्वायर माइनस 12x ये माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0. बच्चे इसका क्या देखिए, फोर डी मेथड में क्या देखिए, क्या आ रहा है देखिए? सर माइनस वन नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ है क्या? सर जो फोर इंटू के वो वाला एट होगा ना, ये एट आएगा. हाँ कुछ गड़बड़ हो गया. ओके, ये फोर टू जो एट आएगा, थैंक यू. ओके, ये फोर टू जो एट होगा 12 होगा. ओके, ये एट माइनस 3 4 को जाए 8 आएगा. ओके, 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5 आएगा. ओके, अब तक कोई आंसर बना दे क्या? अच्छा ये yes, क्या ऑप्शन आया बोले? मुझे बहुत खुशी होगा तुम लोग अगर बना दिए तो. ऑप्शन कौन सा आया बोले? अरे कौन सा ऑप्शन आया तुम्हारा? सी आया, सी आया. अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है. हाँ बोलिए. 1/2 इंक्लूडिंग होगा, मतलब 1/2. सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, क्वेश्चन से मैं थोड़ा ठीक तरह लिखा नहीं. ओके, 1/2 ये इंक्लूडिंग है, मैं क्वेश्चन में है लेकिन देखिए क्वेश्चन में इंक्लूड है, मैं लिखा नहीं. ओके, इंक्लूड क्लोज होगा. ठीक है, हाँ. अच्छा देखिए तुम्हारा ये तुम्हारा 4 5 20 होता है, 20 को क्या करेंगे बच्चों? 10 एंड 2 माइनस, अब वो प्लस 5 होगा, 8 माइनस 3. ठीक है, हो ये प्लस माइनस 10x माइनस 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0. ओके, बहुत अच्छा है, बच्चे सब ध्यान देते हैं, मुझे बहुत खुशी लगता है. ये कोई तो परेशान करता है, खाली कॉल कर रही, कहाँ कहाँ से कॉल आ जा रहे हैं. ये 2x का मान लीजिए, ये 2x माइनस 5, ये 2x माइनस 5, ये माइनस 1 का मान लीजिए 2x माइनस 5 हो गए, लेस देन इक्वल टू 0 हो गए. कुछ बच्चों को मजा आता होगा, कुछ बच्चों को मजा नहीं आता होगा. ओके, देखिए यहाँ पर देखिए 2x माइनस 5, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ है आपका. अगर समझने के लिए अगर नहीं समझते हो तो थोड़ा पूछ लो कि सर यहाँ समझ में नहीं आया. तो बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट वाला जो है x इक्वल टू 5/2 आया, x इक्वल टू 1/2 आया. ओके, x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 5/2,
इन्फाइनाइट, ये माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर तो x पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस जीरो आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। अगर ये लेस देन तो इक्वल, लेस देन तो हमारा ये नेगेटिव पार्ट लेंगे बच्चों, लेस देन तो नेगेटिव और इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, x बिलोंग्स टू ये 1 बाय 2 से क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडिंग, ओके 5 बाय 2, ठीक है। अच्छा अभी बच्चों ये एंड हमारा बोला था ये एक बार असल ये भी लेंगे एंड इसका जो सोल्यूशन लेगा वो भी लेंगे, ओके। तो दोनों में देखिए क्या आ रहा है फाइनल सोल्यूशन, ये आ रहा है 1 बाय 2 से 5 बाय 2, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर रहना है, नहीं तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। 1 बाय 2 से 5 बाय 2 ये इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग, ओके इंक्लूडिंग मीन्स गार्ड पर ही दे दो पूरा, ओके इंक्लूडिंग। और नेक्स्ट बात है माइनस इंफिनिटी से 1, 2 से इंफिनिटी, 2 कहां पर आएगा बच्चों, ये 5 बाय 2 यहां पर आएगा 2, 8 टू 2 जब 4, ये समझो बच्चो 2 हाफ है ना, ये 2 इधर आएगा, 2 से इनफाइनाइट लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से इनफाइनाइट माइनस इनफिनिटी से 1, 1 किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा। थोड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर रहना बहुत जरूरी है, माइनस इनफिनिटी से 1 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर आपका, माइनस इनफिनिटी से 1। अब बच्चों उनका कॉमन कौन सा पार्ट कॉमन है, देखिए तीनों का कॉमन रहेगा, ये जितना है वो सब इसका ये कॉमन है, लेकिन 1 बाय 2 क्लोज है, 1 बाय 2 क्लोज है और 1 क्लोज नहीं है, और क्या कॉमन है, ये 2 ओपन है लेकिन 5 बाय 2 क्लोज है, 2 ओपन है 5 बाय 2 क्लोज है, तो तुम्हारा x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ये 1 बाय 2 क्लोज है, 2 1 1 ओपन है यूनियन, फिर 2 से कितना, 2 ओपन है 5 बाय 2 क्लोज है, ओके। तो x बिलोंग्स टू बच्चों ये आपका आंसर है, 1 बाय 2 से 1 और यूनियन 2 से 5 बाय 2 में, 1 बाय 2 से कितना, 1 है 2 से 5 बाय 2 बच्चों। इसका टेस्ट होगा इन बर्ट का टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा, ओके। तो इसी के लिए बच्चों मुझे इतना है तुम लोग को फंडामेंटल